अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शिजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, ये बड़ा वेदर थोड़ा सा लवली सा हो रहा था, बारिश हो रही है काफ़ी, आप देख रहे होंगे, और लिटिल बिट सूदिंग एज वेल। तो काफ़ी दिनों से मैं नहीं कर सका, ये हमारी जो छोटी सी एक एक्टिविटी होती है, तो आज मैंने कहा कि चले मैं थोड़ा सा ये कैच करता हूँ। अभी इवनिंग का टाइम है, ऑलमोस्ट 5:30। इवनिंग तो नहीं कहना चाहिए, जैसे इवनिंग हो रही है। तो दिस इज़ द फ्रंट यार्ड ऑफ आवर हाउस। ये सारे प्लांट्स वगैरह हैं जो मैं खुद ही मेंटेन करता होता हूँ। इनकी भी ज़रा कटाई शटाई होने वाली है, जिस तरह जुनैरा माम की लिटरेशन होने वाली है। यहाँ पे लिटरेशन तो नहीं है, तो पौधों को आपको पता है कि इट फील्स गुड जब आप प्लांट्स का मेंटेन करते हैं, थोड़ा आपकी नेचुरल ब्यूटी भी मेंटेन रहती है। तो एनीवे, काफ़ी परेशान कुन मैसेजेस आ रहे थे, जो डिसीजंस हुए हैं ये सारे अपने इसके क्या उसे कहना चाहिए, ये डिले होने के, बेल के डिले होने के, जो कि काफ़ी सारे लोग सस्पिशन की निगाह से देख रहे हैं इसमें, जज साहब की जो बीमारी है उसको, कि सडनली उन्हें क्या हो गया। इसमें क्या कह सकते हैं आप, लगता तो यही है कि दिस सीम्स लेजिट, और यू नो ये ज़िंदगी के साथ ही चलता है, बीमारी और ये सारा कुछ तो इंसान के साथ ही होता है। तो बहुत से लोग स्पेकुलेशन ये कर रहे हैं कि शायद इसमें कुछ और खुफिया हाथ नज़र आ रहा है, पता नहीं। अब तो क्या कह सकते हैं, कोई बईद नहीं है, लेकिन उम्मीद है यही है कि ये सारा कुछ इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएगा, और टाइम की बात है। बहरहाल ये लोग डिले ले रहे हैं, टैक्टिक्स, डिलेइंग टैक्टिक्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं। सुनने में ये है कि इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि कम से कम 2 से 3 हफ्ते की, या कम से कम 10 दिन का इनको वो दिया जाए, लेकिन बहरहाल नहीं हो सके कामयाब। तो 3 से 4 दिन का हुआ ये जो 26 तारीख को है, कल MLO की भी डिसीजन है, उसके बारे में भी होपफुल हैं कि वो MLO का ऑर्डर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जनाब हिजाब ज़ारा के पेरेंट्स के हवाले से ये है कि जिस वकील ने उनको, पंजाबी कहते हैं ना ठग लेना, उनके साथ धोखा किया है, और उसने इनसे 2.5 लाख रुपया लेके केस के बारे में कुछ नहीं किया, तो उसके बारे में अपडेट्स भेजी गई हैं मुझे। बहुत ही बुरे तरीके से उसने डील किया है हिजाब ज़ारा के मदर को और उनके भाई को। इंशाल्लाह उस पर डिटेल से बात करेंगे कि ये लोग जो हैं असल में नासूर यही हैं, ये भी एक हिस्सा है नासूर होने का। तो चलें जनाब, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है अभी लाइव में, तो 2-4 घंटे में ही हो सकता करें। अभी तो फ़िलहाल आप इस वेदर को इंजॉय करें, मैं भी कॉफ़ी थोड़ी सी पीता हूँ नमाज़ पढ़ के। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।